अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन सीज़न 2 की शूटिंग का क्या बाकायदा आगाज़ हो चुका है? कितनी एपिसोड शूट हो चुकी हैं? वहाद जली और यमुना जैदी किस तरह से शूट करवा रहे हैं? ये वो सारे सवाल हैं जो कि मीरब और मुर्तसिम के फ़ैन्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और इन सवालों के जवाब तलब कर रहे हैं, इनकी कुछ वजाहत चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में इन सारे सवाल के जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ और एक बार फिर इस पूरी सिचुएशन से मुतालिक जो असली खबर है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, वो आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि तेरे बिन सीज़न 2 का अभी क्या स्टेटस है और क्या इसकी शूट शुरू हो चुकी है या नहीं हो चुकी, या फिर ये किस मरहले में है और ये कब तक आपके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि अभी तेरे बिन का जो सीज़न 1 ख़त्म हुआ है उसको अभी ऑलमोस्ट 20 रोज़ अभी पूरे नहीं हुए, अभी 17-18 रोज़ उसको मुकम्मल हो चुके हैं। उसके ख़त्म होते ही 1 घंटे बाद ही ऐलान हो गया था सीज़न 2 का, और उससे काफ़ी पहले 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको सीज़न 2 आने की कंफर्म न्यूज़ दे दी थी। तो आप लोगों को ये पता था कि सीज़न 2 आ रहा है और वो वहाज अली और यमुना जैदी के साथ ही होगा। मीरब और मुर्तसिम के किरदार इन्हीं दोनों के होंगे। फिर इनके बहुत सारे दूसरे ड्रामे भी इस वक्त आप ऑन एयर देख रहे हैं। 22 कदम जो इस वक्त आ रहा है वहाज अली का, वो तेरे बिन से पहले शूट हो चुका है। इसके अलावा अभी ड्रामा मैं आने वाला है, वहाज अली का एक वेब सीरीज़ आने वाली है, यमुना जैदी का एक ड्रामा आने वाला है। तो ज़ाहिर इन सारी चीज़ों को शूट होने में टाइम लगता है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि चंद हफ्तों पहले ही यमुना जैदी की मूवी रैपअप हुई है नायाब, वो भी अभी रिलीज़ के लिए तैयार है। बहुत तेज़ी से उसकी एडिटिंग वगैरह भी जारी है, अन करीब आप उसका टीज़र और ट्रेलर भी देखने वाले हैं। तो अभी ये सारे मामला चल रहे थे और फिर जब सीज़न 1 ख़त्म हुआ तेरे बिन का, तो उसके बाद टास्क दिया गया नूरा मखदूम को, जो कि उससे पहले ही तैयारी शुरू कर चुकी थी, अच्छी खासी एपिसोड्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी शूट कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक तेरे बिन की सीज़न 2 की शूटिंग का आगाज़ नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यमुना जैदी और वहाज अली के जो अभी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ उनकी दूसरी कमिटमेंट्स हैं, अभी वो उन कमिटमेंट्स को बहुत जी के साथ पूरा कर रहे हैं, और जैसे ही वो सारी कमिटमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो फौरी तौर पर तेरे बिन सीज़न 2 की बाकायदा शूटिंग का आगाज़ होगा। अब ये शूटिंग का आगाज़ होने में अभी मज़ीद कितना वक्त लगेगा, ये समझें कि अब ये महीनों की बात नहीं है, ये हफ़्तों की बात है। ये चंद ही हफ़्तों में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, चूँकि उन दोनों की भी ये कोशिश है कि सबसे पहले तेरे बिन सीज़न 2 को टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए। लेकिन जो पहले से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हुए हैं उनको ज़ाहिर रैपअप करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जो 2 प्रोजेक्ट हैं, एक ग्रीन एंटरटेनमेंट का हुमायूं सईद और यमुना जैदी का ड्रामा जेंटलमैन, जो कि यमुना जैदी बहुत तेज़ी के साथ उसको कंप्लीट करवा रही हैं, और इसी तरह आयजा खान के साथ वहाज अली का जो ड्रामा मैं आ रहा है वो भी अब बहुत तेज़ी के साथ अपने इख्तितामी मरहले में पहुंच चुका है। और फिर जैसे ही ये ड्रामे ऑन एयर होना शुरू होंगे तो उसके बाद फौरन वहाज अली और यमुना जैदी फिर तेरे बिन सीज़न 2 की शूटिंग में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो जहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन या कोई अफवाह इस सिलसिले में मिल रही है, अभी तक उसमें कहीं कोई ऐसी सदाकत नहीं है और अभी तक बाकायदा तौर पर इस शूटिंग का आगाज़ नहीं हुआ। दुनिया भर में, हर मुल्क में लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त तेरे बिन सीज़न 2 का, और इसका कोई वीडियो क्लिप देखना चाहते हैं, इसका कोई टीज़र देखना चाहते हैं, ऐसी कोई कन्फर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में शकूक भी हैं, मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कभी माया अली का नाम लिया जा रहा है, कभी सजल अली नाम लिया जा रहा है कि यमुना जैदी की जगह वो होंगी, इसी तरह कभी फिरोज़ खान का नाम लिया जा रहा है कि मुर्तसिम खान का किरदार वहाज अली की जगह वो करेंगे। लेकिन ये सारे ऑप्शंस अनएक्सेप्टेबल हैं सारे फैंस के लिए, और इसे पाकिस्तानी फैंस के लिए नहीं, सेम यही इंडियन फैंस के साथ भी है, सेम ये बाकी मुल्कों के फैंस के साथ भी है, चूँकि उन्होंने जो मोहब्बत दी है मीरब और मुर्तसिम के किरदार में, जो पसंदीदगी दी है वो दी है यमुना जैदी और वहाज अली को। तो मेकर्स इन्हीं दोनों के साथ ये ड्रामा करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में इसके इर्द गिर्द घुमाई फिराई जितनी जो भी खबरें उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ही शूटिंग का आगाज़ होगा मैं आपको फौरी तौर पर अपडेट करूँगा कि जी ये शूटिंग का आगाज़ हो चुका है, स्क्रिप्ट अब मुकम्मल हो चुका है। जैसे जैसे जो जो इस बारे में डेवलपमेंट होती रहेगी, खबर आती रहेगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, वीडियोज़ अगर आप तक नहीं पहुँच रही तो चैनल को विजिट करने की आदत बना लें ताकि आपको रोज़ाना ये वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें और असली खबर आप तक पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।